शस्त्र नहीं है। प्राचीन बर्ही को वह उपदेश कर रहे थे, उसी प्रसंग में एक कथा सुनाई है और उसी कथा के दरम्यान उन्होंने अपनी कथा सुनाई है कि किसी समय कालकन्या जरा ने मुझे श्राप दे दिया था, क्योंकि जरा जरा कहते हैं वृद्धता को, वृद्धता वृद्धता कहते हैं बुढ़ापे को। कोई भी व्यक्ति जब एक बच्चे को आशीर्वाद देता है तो कहता है बड़े हो, और जब बच्चा बड़ा होता है स्कूल जाने लगा और इसी के साथ वो कुछ योग्यताओं में आगे बढ़ रहा है, तब लोग आशीर्वाद देते हैं कि चलो पढ़ लिख करके और योग्य बने, कुछ करे। ध्यान दें, बड़े शब्द होने की कहीं पर तो बड़ी अच्छी बात है। एक बच्चे को जब कहा जाता है कि बेटा बहुत जल्दी तुम बड़े हो जाओ, बच्चा भी चाहता है कि हम बड़े दिखें। इसे हम बच्चों में देख सकते हैं कि जब वो बड़े होने की भावना में नीचे रह करके अपने में लघुता का दर्शन करते हैं, तब वो चाहते हैं कि मैं बड़ा समझा जाऊं, मैं बड़ा दिखूं। लेकिन मजबूरी होती है तभी वो पिता की गोद में आकर के बैठ जाते, कहते ऊपर बिठाओ। ध्यान दें, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो कहता है मैं छोटा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो युवा बना, और युवा बनने के बाद प्रौढ़ बन गया, और जब प्रौढ़ बना तो उसके बाद जब और बड़ा होगा तब क्या होगा, वृद्ध होगा। लेकिन हम सब वृद्ध होना नहीं चाहते, हो जाते हैं, मजबूरी है, ये बात अलग है। तो कहते हैं जरा ने देवर्षि नारद को प्रस्ताव रखा कि मुझे कोई चाहता नहीं है, मैंने भी किसी को चाहा नहीं, आप भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त किसी को ना नहीं करते और सबकी परेशानी को दूर करते हैं, तो आप जब सबकी परेशानी को दूर करते हैं तो मेरी आकांक्षा है, मेरी शादी नहीं हो रही, आप मेरे साथ शादी कर लें। देवर्षि नारद बहुत सोच में पड़ गए हैं, हम शादी कर लें ये बात जस्ती नहीं है, क्योंकि एक बार शादी करने के ही प्रसंग में बड़ी विडंबना हुई थी। बंदर का मुंह मिल गया था, अब इसका मतलब हरि की इच्छा नहीं है तो अब हम शादी क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि शादी शब्द मेरे लिए नहीं है। उस समय जरा ने भी श्राप दे दिया था कि आप कहीं ठहर नहीं सकेंगे। दक्ष ने और जरा ने देवर्षि नारद को श्राप दिया था, इसलिए नारद कहीं एक जगह ठहर नहीं पाते। शौनक आदि ये ने कहा कि ये एक जगह ठहर करके अनुष्ठान कैसे किया। ध्यान दें, अनुष्ठान क्यों किया, कैसे किया, ये प्रश्न उस समय बताना शुरू करते हैं। देवर्षि नारद भक्ति की व्यथा को दूर करने के लिए सनकादि के साथ बातचीत हुई है। जब भक्ति की समस्या को दूर करने के लिए जब वे अपने प्रयास से भक्ति की समस्या दूर नहीं कर सके तो विशाला क्षेत्र में गए हैं, बदरिका आश्रम में गए हैं। बदरिका आश्रम हरिद्वार से आगे आप जाते हैं, चारों धाम की जो यात्रा कर चुके हैं वे सभी जानते हैं। भगवान नारायण का क्षेत्र है, जहां आज भी नर नारायण कहते हैं तपस्या करते हैं। उनका आंशिक रूप लेकर के ही भगवान नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण और नर के रूप में
आप अर्जुन को देखेंगे। जब शनकादि ने अचानक देवर्ष नारद को जल्दी जल्दी घूमते हुए देखा तब पूछा है कि आप कहाँ इतनी जल्दी जा रहे हैं और इतने प्रसन्न रहने वाले आप, कीर्तन में मग्न रहने वाले आप, अपने एकतारा में जो नाम का गुंजन कर रहा हो, भक्ति के भाव में नाम संकीर्तन में जो गुनगुना रहा हो, आज आप इतने अटपटी क्यों हैं, इतनी जल्दी में कहाँ हैं। उस समय देवर्ष नारद ने कहा है, बात ये थी, मैं घूमता हुआ पृथ्वी में क्या कैसा कुछ घटित हो रहा है देखता हुआ, जानने की जिज्ञासा के साथ भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचा। चारों तरफ मैंने जीवन मूल्यों का ह्रास देखा, चरित्र का पतन देखा, झूठ, अन्याय और अनैतिकता की चारों तरफ मैंने लहर देखी। संसार अपने स्वार्थ में अंधा होता चला जा रहा है, सुख की चाह में वे दूसरे के सुख की हिंसा में कोई भी कमी नहीं रखता, प्रमाद नहीं करता। ये देख करके मैं व्यथित मन वृंदावन पहुंचा और मैंने अचानक एक युवती को देखा और वह युवती कुछ दूसरी युवतियों के साथ घिरी हुई बैठी हुई थी। उसके पास दो युवक बिल्कुल हारे हुए, असमय में ही लगता था कि ये वृद्ध हो चुके हैं। मैं भी कुतूहल में था, पास से जब मैं जा रहा था थोड़ा सा मैं खड़ा हुआ तो इसी के साथ वह युवती मेरे पास आई और अपनी व्यथा सुनाई। वह दूसरी कोई नहीं, भक्ति थी। उसने अपना परिचय दिया, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई मैं, कर्नाटक देश में मेरा थोड़ा वृद्धि को प्राप्त हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ महाराष्ट्र में और भी बड़ी हुई, गुजरात। सज्जनों, कभी कभी हम भी सोच में पड़ जाते हैं क्यों गुजरात में आकर के, कहते हुआ जीर्णताम गता, गुजरात में आकर के हम वृद्ध हो गए। ऐसा लगता है गुजरात भक्ति का प्रधान प्रदेश, भक्ति का एक सांकेतिक लक्षण है। कथाएं बहुत बार सुनी हैं, फिर से सुनने की जरूरत है और जरूरत इसलिए भी रहेगी कि कथा में कुछ मर्म है, कुछ संदेश है और हम भूल जाते हैं, प्रयोग नहीं कर पाते। तभी सुनना सार्थक होता है जब वह हमारी जीवन कथा को तदनुरूप बना दे। कथा श्रीमद्भागवत कथा तदनुरूप बना दे, श्रीमद्भागवत की कथा के अनुरूप हमारी जीवन कथा बन जाए, प्रयोग पा जाए। प्रयोग नहीं मिला तो भी सुनना है, फिर भी सुनना है, क्योंकि सुनने में भी पुण्यदायिनी है, आगे बता रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा की नायिका भक्ति कहती, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। क्यों? ध्यान दें, आपको कोई बहुत सम्मान देता है,
लेकिन आपकी चीज को कोई नकार दे, आगे मैं कहूंगा इस बात को, एक महात्मा ही है। एक महात्मा जब उनके शिष्य ने कुछ लोगों के बीच में प्रश्न किया कि संसार में कैसे रहना चाहिए,